I've missed you. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन बॉली मीडिया में, जहाँ आपको मिलती है बॉलीवुड और टीवी सीरियल से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। दोस्तों, एक बार फिर साथ आएंगे पुराने प्रेमी सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा या आलिया भट्ट के फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले। दोस्तों, एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इस दौरान दोनों एक्टर्स के अफेयर की अफवाह सुर्खियों में रहे थे। एक बार फिर से दोनों के फिल्म आशिकी 3 में रोमांस करने की खबरें आई हैं। वहीं अब फिल्म डायरेक्टर मंसूरी ने फिल्म को लेकर बयान दिया है। मंसूरी ने हाल ही में आशिकी 3 पर बात करते हुए कहा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा उनके दोस्त हैं, लेकिन अभी फिल्म की कास्ट कंफर्म नहीं की गई है। डायरेक्टर ने आगे कहा कि वो स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और इस पर काम शुरू करने से पहले इसे ठीक करने की जरूरत है। बता दें कि आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट आशिकी 2 के प्रोड्यूसर में से एक है और ऐसी चर्चा थी कि एक्ट्रेस इस रोमांटिक फिल्म के थर्ड पार्ट में नजर आएंगी। आलिया भट्ट इस समय रणवीर कपूर के साथ रोमांस को लेकर सुर्खियों में है। दोनों एक्ट्रेस आयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आएंगे। वहीं चर्चा है कि इस फिल्म की दिसंबर में रिलीज के बाद दोनों शादी कर लेंगे। रणवीर कपूर आलिया भट्ट को अक्सर एक साथ देखा जाता है। हाल ही में दोनों स्टार अरमान जैन की शादी में एक साथ नजर आए। सिद्धार्थ मल्होत्रा इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म शेरशाह में बिजी हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म में कियारा आडवाणी और जावेद जाफरी दिखाई देंगे। विष्णु वर्धन के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 3 जुलाई 2020 को रिलीज होगी। बताते चले कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के अफेयर की भी खबरें आती रहती हैं। वेल दोस्तों, आप आशिकी 3 में ये जोड़ी फिर से देखने के लिए कितने एक्साइटेड, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।